नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। दोस्तों, इतना बेसब्री से किया गया आपका इंतजार फलदायी रहा और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी के लिए बायोलॉजी विषय को शामिल करके हमारे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ा दी है। और जैसा कि हर यानी कि जो भी तैयारी करने वाला था उसके अंदर बहुत ही खुशी और एक स्फूर्ति जागृत हुई है कि तैयारी को फिर से आगे बढ़ाएं। क्योंकि इसके पहले आप जो भी पढ़ रहे थे एक डाउट्स में पढ़ रहे थे कि कैसे क्या किया जाए, पता नहीं क्या वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। बट दोस्तों, आपने जो वेट किया, आपने जो इंतजार किया, आपका इंतजार एक रंग लाया और फाइनली टीजीटी के लिए बायोलॉजी को शामिल कर लिया गया। प्रीवियस में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी के लिए बायोलॉजी विषय का एक दो सेगमेंट पढ़ चुके हैं और आज मैं आप सभी को एक नए टॉपिक से आपका परिचय कराने वाला हूं। आज दोस्तों हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे फाइलम कॉर्डेटा से। जी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। इस संघ से क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। आज हम यहां पर समझेंगे कि इसके स्पेसिफिक करेक्टर क्या क्या होते हैं या इसके जनरल करेक्टर क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से इनमें नोटोकार्ड होती है, नर्व कार्ड होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे ये होते हैं। तो इसके बहुत सारे स्पेशल फीचर्स इसमें हो जाते हैं, जैसे फेरेंजियल गिल्स क्लेफ्ट होती है इसमें। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले बता दूं मैं आप सभी को कि संस्थान में रवि सर के कुशल निर्देशन में टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए बैच प्रारंभ है और यहां मैं आपको बाइलिंगुअल इन दोनों भाषाओं में जो आपके सिलेबस है उसको पूर्णतः कंप्लीट करते हुए आपको नोट्स या क्वेश्चंस पेपर ये सारी सुविधाएं मुहैया कराऊंगा। यदि आपको इस बैच से जुड़ना है तो निसंदेह आप हमें दिए गए इस 8382955694 इस नंबर पर हमें आप टीजीटी या पीजीटी एंट्री लिख करके, बायोलॉजी लिख के दोस्तों आप हमको मैसेज करेंगे। और बाकी कोई भी अगर आपको असुविधा हो रही है तो आप दिए गए इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि संघ कॉर्डेटा में हमें क्या समझना है। जी हाँ दोस्तों, फाइलम कॉर्डेटा आज हमें पढ़ना है, आज हमें समझना है फाइलम कॉर्डेटा। वैसे तो बहुत जगह क्लासेस आपको मिल रही होंगी इसकी, लेकिन जैसा मैं आपको बताऊंगा फाइलम कॉर्डेटा के बारे में आपको वैसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। फाइलम कॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा। दोस्तों, पहले हम समझेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी शब्द दिया रहता है उस शब्द का कोई ना कोई शाब्दिक अर्थ निकलकर सामने आता है। अगर हम यहां देखें कि कॉर्डेटा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, दोस्तों यह एक ग्रीक शब्द है और दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, कॉर्ड, कॉर्ड एटा। दोस्तों क्या है ये ग्रीक शब्द है, कहते हैं ग्रीक शब्द के कॉर्ड से लिया गया है। और दोस्तों कॉर्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग या जिसको हम क्या कहते हैं, छड़ कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, छड़ कहते हैं या रज्जू कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसका स्ट्रिंग का मतलब होता है रज्जू यानी कि रस्सी। ये दोस्तों स्ट्रिंग मतलब छड़। ठीक, आप देखेंगे कि हमारे अंदर डॉर्सल साइड में क्या होता है, पीछे दोस्तों पीछे की ओर क्या होता है, पृष्ठ रज्जु पाई जाती है दोस्तों, यानी कि ये कॉर्डेटा का विशिष्ट लक्षण है। आप देखेंगे हमारे अंदर पृष्ठ पर जो डॉर्सल साइड होता है वहां दोस्तों क्या देखने को मिलता है, एक वर्टेब्रल कॉलन पाई जाती है कहीं ना कहीं। दोस्तों ये क्या है, कॉर्डेटा के स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं। आज हम बात करेंगे आप सभी से इस कॉर्डेटा के बारे में सारे पॉइंट्स। दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें कॉर्डेटा के बारे में तो सबसे पहले आप यह समझिए कि दोस्तों इसमें कितनी स्पेसीज आती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं आप सभी को। देखिए, अगर हम दोस्तों बात करें इसमें तो नंबर ऑफ स्पेसीज कितनी है, कुल प्रजातियों की संख्या, नंबर ऑफ स्पेसीज यानी कॉर्डेटा के अंदर नंबर ऑफ स्पेसीज लगभग दोस्तों 55,000। तो 55,000 स्पेसीज इसमें पाई जाती है दोस्तों। और सबसे पहले इस फाइलम की स्थापना किसने की, दोस्तों इस फाइलम की स्थापना किसने की, तो ऐसा क्वेश्चन ये बन सकता है तो आप बताना कि इस फाइलम की स्थापना वोल्फर ने की।
बोल्फर। तो बोल्फर महोदय ने इस फाइलम की स्थापना की थी दोस्तों। तो दो बेसिक पॉइंट देखिए, हालांकि कभी एग्जाम में सब नहीं बनते बट आप जानते रहिए इसके विषय में। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो नॉन जो दोस्तों जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, इनवर्टिब्रेट में सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी स्पेसीज दोस्तों होती है वो किसकी होती है, इंसेक्टा की होती है। वैसे अभी आप देखेंगे कि यहां जो वर्टिब्रेट में सबसे बड़ी स्पेसीज किसकी होती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए अगर कार्डेटा की बात की जाए तो कार्डेटा में कुछ जंगल करेक्टर होते हैं जो कि आप सब में पढ़ेंगे, बट दोस्तों कार्डेटा के अंदर कुछ स्पेसिफिक या हम कहते हैं इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं जो कार्डेटा को नॉन कार्डेट से अलग करता है। अब इसके स्पेसिफिक या प्राइमरी या फिर फंडामेंटल करेक्टर क्या है, आइए जरा हम इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर तो एक पॉइंट में मेंशन कर दे रहा हूं यहां पर, फंडामेंटल करेक्टर ऑफ कार्डेटा, यानी कि संघ कार्डेटा के मूलभूत लक्षण, फंडामेंटल कैरेक्टर कैरेक्टर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, यानी दोस्तों इसके मूलभूत लक्षण क्या क्या हैं। अगर हम मूलभूत लक्षण की बात करें तो यहां इसके जो सबसे प्रमुख लक्षण है, जो प्राइमरी सिम्टम है दोस्तों, वो अन्य लक्षणों से क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। ठीक, जैसे दोस्तों अगर बात करें इसमें हम, तो पहला पॉइंट हम क्या बोलेंगे, पहले मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूं, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इत्मीनान से देखिए दोस्तों। इस फिगर बिल्कुल स्पष्ट है आपके सामने, आप देखिए इसमें नोटो कार्ड सब दिया गया है, डार्सल होलो सिंगल नर्व कार्ड दिया गया है दोस्तों, फेरेंजियल गिल्स क्लेफ्ट आप देख रहे हो दोस्तों, यहां पर पोस्ट एनल टेल आप देख रहे हो, ये सारे पॉइंट्स कार्डेटा के बारे में, अभी आप समझेंगे इसको अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें फंडामेंटल करेक्टर की, जितने भी कार्डेट होते हैं उन कार्डेट से कुछ स्पेसिफिक करेक्टर होते हैं जो सबसे अलग होते हैं, जो नॉन कार्डेटा को इससे अलग करते हैं। दोस्तों जो इसका पहला करेक्टर है वो क्या होता है, वो है प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड। दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड, यानी कार्डेटा के अंदर दोस्तों क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्रेजेंस ऑफ नोटो कार्ड, नोटो कार्ड क्या होता है, पृष्ठ रज्जु दोस्तों क्या होता है, इनमें जीवन की किसी न किसी स्टेज में दोस्तों क्या देखने को मिलता है, पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटो कार्ड देखने को मिलता है। दोस्तों देखिए जो नोटो कार्ड होगा वो जो निम्न कशेरुकी होते हैं उन निम्न कशेरुकी प्राणियों में नोटो कार्ड जीवन भर रहता है, वह थ्रू आउट लाइफ जीवन भर रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें उच्च कशेरुकी में, तो उच्च कशेरुकी प्राणी के अंदर नोटो कार्ड जीवन भर नहीं रहता, बल्कि दोस्तों यह नोटो कार्ड क्या होता है, वर्टेब्रल कॉलन यानी कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो निम्न कशेरुकी जीव होते हैं, लोअर कॉर्डेटा होते हैं, लोअर कॉर्डेटा के अंदर जो नोटो कार्ड होता है दोस्तों, ये नोटो कार्ड क्या होगा, यह जीवन पर्यंत रहता है दोस्तों, इसके बारे में हम ये कह रहे थे। और अब देखिए यह होता कहां पर है, देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं इसको, ये दोस्तों इसके डॉर्सल साइड पर आपको जो ये दिखाई दे रहा है इस कलर का, इसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इसी को हम कहते हैं नोटो कार्ड। दोस्तों यहां जो आपको दिख रहा है भाग, ये दोस्तों यही क्या होता है, पृष्ठ रज्जु होता है, डॉर्सल साइड पर होता है दोस्तों, जो निम्न कशेरुकी होते हैं उनमें जीवन भर रहता है, लेकिन दोस्तों जो उच्च कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें दोस्तों जीवन भर ये नहीं रहता, बल्कि बाद में यह परिवर्तित हो जाता है कशेरुक दंड में यानी वर्टेब्रल कॉलन में। तो इसको आप देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका स्पेसिफिक सिम्टम दोस्तों ये होता है। अब देखिए अगर हम आगे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है इसका, दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम ये कहेंगे कि इसी में दोस्तों डार्सल नर्व कार्ड होती है, नर्व कार्ड का मतलब होता है तंत्रिका रज्जु दोस्तों, क्या होती है डार्सल नर्व कार्ड। अब दोस्तों यहां देखिए आप, ये दोस्तों सब यानी कि सबसे पीछे दोस्तों टैल से लेकर के, टैल मतलब पूंछ, देखिए यहां पर टैल है दोस्तों, टैल है, तो टैल से लेकर के माउथ तक
दोस्तों टेल से लेकर के माउथ तक क्या है जो आपको दिख रही है दोस्तों, ये डॉर्सल होलो नर्व कार्ड है दोस्तों, कहते हैं पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है जो इसका दूसरा सबसे विशिष्ट लक्षण है। कहेंगे इसमें सेकंड डॉर्सल होलो नर्व कार्ड, डॉर्सल होलो नर्व कार्ड इसमें पाई जाती दोस्तों, यानी कि पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है इसमें जो पृष्ठ पर उपस्थित होती है। अब देखिए जो लोअर कॉर्डेट होते हैं निम्न कशेरुकी प्राणी होते दोस्तों, उनमें क्या होता है, उनमें यह जीवन भर अलग रहता है, क्योंकि उनमें क्या होगा दोस्तों जो निम्न कॉर्डेट जो लोअर कॉर्डेट है दोस्तों उसमें क्या होगा नोटो कार्ड और नर्व कार्ड दोनों अलग अलग रहता है, दोनों डिफरेंट रहता है, दोनों अलग अलग रहेंगे दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर उच्च कशेरुकी प्राणियों में दोस्तों, यानी कि जो हाई कॉर्डेट होते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों, तो उनमें क्या होगा कि यहां जो डार्सल होलो नर्व कार्ड होती है यानी जो तंत्रिका रज्जु होता है दोस्तों, ये क्या होता है वह पृष्ठ रज्जु के अंदर यानी कि वर्टेब्रल कॉलन के अंदर पहुंच जाता है दोस्तों, और क्या बनाता है स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण कर देता है। यानी जो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है तो उस नर्वस सिस्टम कैसे बना हुआ है, ये ब्रेन से मिलकर के स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के दोस्तों, इस यही जो भाग होता है, यही जो यहां आप देख रहे नर्व कार्ड जो होती है, ये जो नर्व कार्ड दोस्तों है, नर्व कार्ड का आगे वाला हिस्सा ये क्या बन जाएगा, ये ब्रेन बन जाएगा हमारे अंदर, और जो उसका दोस्तों पीछे वाला हिस्सा है ये कहां पहुंच जाएगा, कशेरुक दंड में जाकर के स्पाइनल कार्ड यानी मेरु रज्जु का निर्माण कर लेता है दोस्तों। तो हम कहते हैं कि निम्न कार्डेटा के अंदर ये दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन उच्च कार्डेटा दोस्तों क्या होता है, ये क्या होता है, यही जो यही नर्व कार्ड होती है, यही नर्व कार्ड ब्रेन में डेवलप हो जाती है, और यही नर्व कार्ड दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करती है, कहां पर, वर्टेब्रल कॉलन में जाकर के, ठीक। तो इसका दूसरा स्पेसिफिक सिम्टम था ये। अगर दोस्तों इसके थर्ड स्पेसिफिक सिम्टम की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या देखेंगे आप, श्वसनी क्लोम दरारे, श्वसनी क्लोम दरारे जिसको हम कहते हैं फेरिंजियल 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 गिल्स स्लिट्स या गिल्स क्लेफ्ट, स्लिट्स या क्लेफ्ट दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इसमें क्या होता है, जीवन की किसी न किसी स्टेज में श्वसनी क्लोम दरारे पाई जाती है दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें हम इसको हम बोलते हैं श्वसनी क्लोम दरारे, श्वसनी क्लोम दरारे इनको हम कह देते हैं। तो जीवन की किसी न किसी स्टेज में श्वसनी क्लोम दरारे दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, तंत्रिका रज्जु कहते हैं, तंत्रिका रज्जु इनको हम बोल देते हैं, और दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठ रज्जु बोल देते हैं। तो जीवन की किसी न किसी स्टेज में दोस्तों क्या होती है, फेरिंजियल गिल्स क्लेफ्ट होती है, जिनके थ्रू क्या होता है, श्वसन क्रिया होती है। देखिए दोस्तों चाहे वो लोअर कॉर्डेट हो या दोस्तों हाई कॉर्डेट, दोस्तों कोई भी हो, उच्च कॉर्डेटा हो, दोनों में होती है। लेकिन दोस्तों फर्क यह होता है कि देखिए जब बच्चा, जब भ्रूण मां के पेट के अंदर होता है, गर्भाशय में होता है, तो श्वसन वो कहां से करता है दोस्तों, फेरिंजियल गिल्स क्लेफ्ट से करता है, और भ्रूण यानी पैदा होने के बाद दोस्तों उसमें क्या होता है, लंग्स डेवलप होता है, यानी कि फेफड़े के थ्रू श्वसन क्रिया वो करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये फेरेंजियल गिल्स क्लैप्स होता है, लेकिन दोस्तों बच्चा पैदा होने के बाद उसमें श्वसन क्रिया फेफड़े के माध्यम से शुरू होती है। देखिए अब ये होता कहां है दोस्तों, तो आप बहुत ध्यान से देखिए, ये दोस्तों क्या इसकी गट्स होती है, इसको हम कहते हैं गट्स, ठीक दोस्तों, या इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल दोस्तों क्या होता है, यहीं पर देखिए फेरिंग्स होता है दोस्तों, क्या होगा, यहीं पर फेरिंग्स होगा, और फेरिंग्स के अंदर हम देखते हैं कि ये देखिए जो आपको ये भाग दिख रहा है, ऐसा जो आपको ये भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इसी जो छेद यहां दरारें यहां पर दिख रही है, इन दरारों को हम क्या नाम देते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं श्वसनी क्लोम दरारे, फेरिंजियल गिल्स क्लेफ्ट दोस्तों, फेरेंजियल गिल्स क्लेफ्ट कहते हैं श्वसनी क्लोम दरारे, इनको ही हम कहते हैं।
तो भ्रूणावस्था में ये होता है दोस्तों, लेकिन बाद में एडल्ट में दोस्तों क्या होता है, ये एब्सेंट हो जाता है, ये विलुप्त तो हो जाता है। लोअर कॉर्ड जो लोअर कॉर्ड दोस्तों होते हैं उनमें ये पाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं श्वसनी क्लोम दरारे। ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये करेक्टर था। और देखिए जो गिल्स होते हैं, आपको पता है जो गिल्स होते हैं दोस्तों, गिल्स से श्वसन कौन करता है, एक्वाटिक एनिमल करते हैं दोस्तों। तो ऐसे कार्डेटा जो एक्वाटिक होते हैं उनमें ये श्वसनी क्लोम दरारे ये हमेशा के लिए रहती है। जो जलीय प्राणी होते हैं, जलीय कार्डेटा होते हैं, वो इसी से क्या करते हैं दोस्तों, श्वसन क्रिया करते हैं। लेकिन जो स्थली होते हैं, टेरिस्ट्रियल होते हैं, स्थली यानी कि टेरिस्ट्रियल होते हैं, स्थली कार्डेटा के अंदर दोस्तों क्या होता है, ये विलुप्त हो जाता है, क्योंकि वह श्वसन क्रिया कैसे करते हैं, फेफड़े से करते दोस्तों, यानी कि लंग से करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो ये इसके इंपॉर्टेंट करेक्टर थे दोस्तों, यह इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर था, जिसके विषय में आपने अभी समझा। अब दोस्तों बात करेंगे इसके जनरल करेक्टर के बारे में, कि इसका जनरल करेक्टर क्या क्या होता है। अब बात करेंगे हम सभी लोग इसके जनरल करेक्टर के बारे में दोस्तों, हम कहेंगे जनरल करेक्टर ऑफ कार्डेटा, जनरल करेक्टर ऑफ कार्डेटा दोस्तों, इसके जनरल करेक्टर क्या होते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हैबिटाट के बारे में दोस्तों, इसका हैबिटाट कहां होता है। तो बहुत ही स्पेसिफिक बात है, इस बात को अपने संज्ञान रखिएगा। जितने भी कार्डेटा होते हैं ये सभी एक्वाटिक भी होते हैं दोस्तों, और एरियल भी होते हैं यानी वायवी भी होते हैं, और दोस्तों टेरेस्ट्रियल भी होते हैं यानी ये स्थली भी होते हैं। इनके बारे में दोस्तों हम क्या कहेंगे कि ये जलीय होते हैं दोस्तों, और क्या कहेंगे, ये एरियल होते हैं, और हम क्या कहेंगे इनके बारे में, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जलीय है और वायवी है, और दोस्तों क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। ये पॉइंट्स आप इसके बारे में याद रखिए दोस्तों। और देखिए हम क्या कहते हैं, जो इनकी बॉडी होती है दोस्तों वो द्विपार्श्व सममिति होती है का मतलब ये है, अगर दोस्तों बॉडी को हम सीधा ऐसे काटे तो दो पार्ट बॉडी बढ़ जाए दोस्तों, इसको हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल दोस्तों। ये क्या होती है, जो उनकी बॉडी होती है बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक, यानी द्विपार्श्व सममिति। ठीक, देखिए दोस्तों और क्या बोलेंगे इनके बारे में दोस्तों, इनमें ट्रूसिलोम होता है। ट्रूसिलोम दोस्तों, सिलोम का मतलब आप जानते होंगे देह गुहा दोस्तों, ट्रूसिलोम होता है, यानी कि दोस्तों इसमें क्या होती है, वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। एक पॉइंट ध्यान रखना, फाइलम सिलेंट्रेटा के बाद जितने भी आप एनिमल पढ़ोगे सभी एनिमल में आपको ट्रूसिलोम देखने को मिलेगा, यानी वास्तविक देह गुहा देखने को मिलेगी दोस्तों। किसके बाद, सिलेंट्रेटा के बाद, यानी फाइलम सिलेंट्रेटा के बाद। और दोस्तों क्या होगा, ये हम कहेंगे कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा दोस्तों, यानी कि इसमें हम कहते हैं तीन जनन स्तर पाए जाते हैं दोस्तों। इसका मतलब यह है कि दोस्तों क्या होगा, इसमें तीन जनन स्तर पाए जाते हैं, जो जर्म सेल इनकी होती है, तीन लेयर से मिलकर दोस्तों बनी होती हैं, जिसको आप बोलते हो एक्टोडर्म दोस्तों। पहली क्या होगी, पहली को आप क्या बोलते हो, एक्टोडर्म, और हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म, और दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। तो दोस्तों तीन जर्म सेल इनमें पाई जाती हैं, एंडोडर्म। अब क्वेश्चन ये बनता है, इसकी बॉडी का कौन सा भाग एक्टोडर्म से दोस्तों बना होता है, तो हम यहां पर कह देंगे जो नर्व कार्ड होता है, नर्व कार्ड वो किस चीज का बना होता है, वो दोस्तों बना होता है, उसकी उत्पत्ति क्या होती है, एक्टोडर्म उत्पत्ति होती है।
और नोटोकार्ड उत्पत्ति होती है किस सेल की? मीजोडर्म की। नोटोकार्ड मीजोडर्म की उत्पत्ति होती है। और एंडोडर्म दोस्तों यानी जो इसकी इसका जो गट्स होता है, तो जो उसका गट होता है, गट किसकी उत्पत्ति है? वो एंडोडर्म की उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों यहां देखिए, जो गट्स है इसकी शुरुआत कहां से होती है? माउथ से होती है। और अंत दोस्तों कहां से होता है? एनस से होता है। और इसी गट्स में क्या है? फेरिंग्स है। और उसी दोस्तों फेरिंग्स में क्या होती है? दरारें होती हैं, जिनको हम श्वसनी कुलोम दरारें यानी फेरेंजियल गिल्स स्लिट्स दोस्तों कहते हैं। ये आपने अभी इसके बारे में देख लिया, ठीक है। देखिए अब दोस्तों यानी कि इसमें जो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, ये आपने इसके बारे में दोस्तों अच्छे से देख लिया। अब देखिए क्या होता है, इसका जो अगला पॉइंट्स है दोस्तों वो ये कहता है कि इसमें पोस्ट एनल टेल होती है। दोस्तों पोस्ट एनल टेल की बात क्या है? देखिए पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल पाई जाती है दोस्तों, यानी एनस के बाद पूंछ, यानी दोस्तों क्या होती है कहेंगे इसको, एनस के बाद पूंछ होती इसमें, एनस के बाद इसमें पूंछ पाई जाती है, एनस के बाद पूंछ। देखिए दोस्तों यहां पर आप देखिए, यहां देखिए टेल शुरू है, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां क्या टेल शुरू है ना, देखिए एनस यहां पर है, एनस के बाद, एनस के बाद दोस्तों क्या है ये टेल है जो मस्कुलर होती है, मस्कुलर पोस्ट एनल टेल, तो मस्कुलर पोस्ट एनल टेल दोस्तों इसमें पाई जाती है क्योंकि एनस के बाद होती है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इसका लक्षण ही है दोस्तों, इसका सिम्टम ही है, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या बोलेंगे इसके बारे में दोस्तों, यहां जो यद जो उसकी बॉडी होती है दोस्तों, या तो ये कार्टिलेज के बने होते हैं दोस्तों, या फिर हम क्या कहेंगे बोनी इंडोस्केल्टन, दोस्तों जो इनका इंडोस्केल्टन होता है दोस्तों, या फिर वो कार्टिलेज का बना होता है या वो हड्डियों का बना होता है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं यह भी कि हम कह सकते हैं ए कार्टी लेजिनस, लेजिनस आर बोनी, आर बोनी इंडोस्केल्टन, इंडोस्केल्टन यानी जो इनका अंतः कंकाल होता है, जो इनका आंतरिक कंकाल दोस्तों होता है वो किसका बना होता है? वह या तो कार्टिलेज का बना होगा या दोस्तों हड्डियों का बना होता है। अब जरा देखिए कार्टिलेज क्या होगा दोस्तों, कार्टिलेज इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू यानी कोमल ऊतक है, और जो यहां पर बोन बोन होती है, बोन यानी कि हड्डियां दोस्तों क्या होती है, हार्ड टिश्यू यानी कठोर ऊतक है। आप देखिए जो आपकी हाथ की जो हड्डियां दोस्तों है, ये क्या है, ये हड्डी है ना, ये कठोर भाग है दोस्तों, ये कठोर है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कार्टिलेज कहां होता है शरीर में, तो बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, जो कान हमारा है ये देखिए, ये इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होती है, ये देखिए बहुत ध्यान से, ये कार्टिलेज उपास्थि है, तो दोस्तों ये अस्थि है और ये क्या है उपास्थि है, तो इनमें जो जो हमारा आंतरिक कंकाल है वह भी अस्थि और उपास्थि का बना है दोस्तों, इनमें भी अस्थि और उपास्थि का बना होता है, अंदर देखिए हड्डियां दोस्तों या फिर उपास्थियां। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, इसके पाचन तंत्र के बारे में दोस्तों, कहेंगे कि जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो इसके अंदर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम कंप्लीट, कंप्लीट विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड, विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इसका जो पाचन तंत्र है वो विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियों के साथ कंप्लीट होता है, यानी पूर्ण होता है। जैसे आप देखेंगे सलेबरी ग्लैंड, जैसे आप देखेंगे लीवर, जैसे आप देखेंगे पैंक्रियाज, जैसे आप देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड दोस्तों, जितने भी एनिमल आते हैं कॉर्डेटा के अंदर, सबके अंदर जो पाचन क्रिया होती, जो पाचन तंत्र होता है वो विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियों के साथ पूर्ण हो जाता है, इसमें पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं दोस्तों, ये पॉइंट्स हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है, अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें दोस्तों, तो देखिए इन इनके अंदर दोस्तों कैसा होता है, वह होता है क्लोज टाइप का। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दोस्तों कैसा होता है, वो होता है क्लोज टाइप यानी कि बंद प्रकार का होता है।
जरा समझिए कि किस प्रकार से बंद और किस प्रकार से खुला, यानी ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंट है। देखिए दोस्तों, जब रक्त परिसंचरण तंत्र खुला होता है तो रक्त अंगों से सीधा बहता है, रक्त कभी भी सिराओं और धमनियों में नहीं बहता, यानी ब्लड वेसल्स में नहीं बहता, वो साइनस में पहुंचता है। लेकिन अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है, रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है दोस्तों, इसमें जो ब्लड है वो हमेशा ब्लड वेसल्स में बहता है, यानी सिराओं और धमनियों में बहेगा दोस्तों। ये पॉइंट्स इसमें हम बोल सकते हैं, यानी ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स में बहता है और दोस्तों सिराओं और धमनियों में बहता है दोस्तों, तभी इसको हम क्या कहते हैं, तभी इसको दोस्तों हम बोलते हैं कि क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दोस्तों। इसमें अब आगे अगर बात करें हम लोग दोस्तों, आगे पॉइंट्स क्या है, इसमें उत्सर्जन के लिए क्या होता है दोस्तों, इसमें हम कहेंगे उत्सर्जन के लिए कार्डेटा के अंदर उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है दोस्तों, ये होता है उत्सर्जन के लिए किडनी। उत्सर्जन के लिए सभी कॉर्डेट्स में दोस्तों क्या पाई जाती है, किडनी पाई जाती है, यानी कि ब्रिक यानी गुर्दा पाया जाता है। तो सभी कार्डेटा के अंदर उत्सर्जन के लिए ब्रिक पाया जाता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर बात करें इनके सेक्सुअल ऑर्गेन के दोस्तों बारे में, कहेंगे मोस्टली ये क्या होते हैं, मोस्टली आप देखेंगे तो ये अधिकतर मोस्टली ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल इन द सेंस कि मेल अलग एंड फीमेल अलग, यूनिसेक्सुअल दोस्तों मोस्टली क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल अलग और फीमेल अलग होते दोस्तों, ये आप बोल सकते हैं। और इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और दोस्तों हम कह सकते हैं जो इनका हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, जो इनका हीमोग्लोबिन होता है वो दोस्तों कैसा होता है, वह आरबीसी में घुला हुआ होता है, यानी दोस्तों हम कहेंगे जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन सेल में होता है, तो सेल में जब होगा दोस्तों, जब सेल में होगा तो क्या बन जाएगा, आरबीसीज बनेंगी दोस्तों, इसमें आरबीसीज पाई जाती है, ये पॉइंट बोलेंगे दोस्तों। इसमें क्या होती है, इसमें ब्लड विथ आरबीसीज दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन होता है वो सेल में होता है, इसका मतलब ये है दोस्तों इसमें आरबीसी पाई जाती है। जो उनका हार्ट होता दोस्तों, जो उनका हार्ट होता है वो दोस्तों कहां होता है, अधर पर होता है, हार्ट, हार्ट दोस्तों कहां होगा, वेंट्रल पर होगा, वेंट्रल पर दोस्तों होता है दोस्तों, अधर पर होता है। जैसे क्या है कि आप देखेंगे जो इसमें जो एनिमल आएंगे जब वो चलते हैं झुककर के नीचे की ओर दोस्तों, तो यहां जो हार्ट दिखाई देगा ये नीचे की ओर दिखता है, जब चलते हैं झुककर के जो हार्ट होता है वो नीचे की ओर दिखता है, वेंट्रल की ओर दोस्तों रहता है, तो हार्ट वेंट्रल की ओर रहता है, ब्लड विथ आरबीसी दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन होता है वो सेल में मिला होता है जिससे आरबीसीज बनती है, ये पॉइंट दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है दोस्तों, इसमें यकृत निवाहिका तंत्र होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। देखिए समझने वाली बात है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है ये दोस्तों समझने वाली बात है। जैसे कि आप जानते हैं लीवर दोस्तों, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम दोस्तों क्या करता है, इसमें बहुत इत्मीनान समझिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि जब हमारा भोजन पचता है, जब दोस्तों हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो सबसे पहले वो कहां पहुंचता है, देखिए आमाशय के पास दोस्तों, हमारा फूड कहां आता है, आमाशय के पास दोस्तों। आमाशय से आप देखते हैं जो इंटेस्टाइन होती है, हमारा फूड दोस्तों इंटेस्टाइन से होता होता आगे बढ़ता है, इंटेस्टाइन में भी पहुंचता है, यानी हमारी आंत में भी पहुंचता है ऐसे दोस्तों, और कहां पहुंचता है, और हमारे पैंक्रियाज ग्लैंड होती है उसके पास तक पहुंचता है, ये पॉइंट हम जानते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, यहां पर मैंने क्या बोला, यकृत निवाहिका तंत्र बोला गया है। तो दोस्तों होता ये है इसमें कि इसमें जो सिराएं होती हैं दोस्तों, सिराएं सब क्या करती हैं, वो सभी दोस्तों सिराएं डाइजेस्ट फूड मटेरियल को दोस्तों कहां पहुंचाती हैं, लीवर में पहुंचाती हैं।
बहुत सारी शिराएं होती हैं जो डाइजेस्ट फूड मटेरियल को दोस्तों कहां तक पहुंचाती हैं, ये लीवर में पहुंचाती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं दोस्तों। यही क्या है, यही कहलाता है यकृत निवाहिका तंत्र, इसी को हम बोलते हैं निवाहिका तंत्र बोलते हैं, या दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो आप देख सकते हैं जो फूड है जब डाइजेस्ट होता है तो डिफरेंट ऑर्गन से सिराएं निकलती हैं और वो सिराएं डाइजेस्ट हुए फूड मटेरियल को लीवर में भेजती हैं दोस्तों। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं यकृत निवाहिका तंत्र, इसमें पाया जाता है दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स किसके बारे में दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स इसमें दोस्तों इसके बारे में। अब देखिए एक सिम्टम दोस्तों और भी हम डिस्कस करेंगे, आपने देखा था अभी दोस्तों इसमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम दोस्तों होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, यानी दोस्तों इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वह पूर्ण रूप से विकसित होता है। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इसमें पाया जाता है, यह भी आप इसके बारे में बोल सकते हैं दोस्तों। नर्वस सिस्टम पूरा क्या होता है, डेवलप होता है, यह भी आप इसके बारे में दोस्तों बोल सकते हैं। और हां यहां पर पूछता है कि डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, इस कॉर्डेटा के अंदर डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, तो आप कहेंगे इसमें डायरेक्ट होता है। अब यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसे कहते हैं, बहुत आराम समझिएगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट दोस्तों का मतलब यह है जैसे एम्ब्रियोन यानी भ्रूण दोस्तों क्या होगा, जैसे मेल और फीमेल है दोनों दोस्तों क्या होता है, दोनों के बीच होता है निषेचन, इसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद भ्रूण बनता है दोस्तों और उससे सीधा एडल्ट बन जाता है। इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होती, जैसे कि लार्वा के बाद एडल्ट बने ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब लार्वा के बाद एडल्ट बने तो इसे हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन जब एडल्ट बिना लार्वा के बने, यानी दोस्तों सीधे सीधे जाइगोट बने, उस पर दोस्तों एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो के बाद दोस्तों जो एम्ब्रियो डेवलप होकर के एडल्ट बने, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। दोस्तों इसमें भी क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, नो लार्वल स्टेज फाइंड इन कॉर्डेटा। तो दोस्तों ये पॉइंट इसके बारे में हम बोल सकते हैं। और दोस्तों एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, दे आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड दोस्तों, कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है दोस्तों, कोल्ड ब्लडेड या आर वर्म ब्लडेड दोस्तों। अब ये दोनों शब्द हैं, कोल्ड ब्लडेड है और वर्म ब्लडेड है, इसका मतलब यानी ये दोस्तों क्या हो सकते हैं, ये असमतापी, असमतापी या समतापी हो सकते हैं दोस्तों। समतापी और असमतापी का मतलब क्या दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, देखिए यहां जो असमतापी होता है दोस्तों, असमतापी जिसको हम कहते हैं यहां पर पोइकिलोथर्मल, पोइकिलोथर्मल, पोइकिलोथर्मल। अब ये पोइकिलोथर्मल और दोस्तों यहां पर कहते हैं होमियोथर्मल, पोइकिलोथर्मल और होमियोथर्मल में क्या अंतर दोस्तों है, यानी इन्हें हम क्या कहते हैं, देखिए अब यहां असमतापी का मतलब है कि ऐसे का डेटा जिनके शरीर का तापमान वायुमंडल के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, यानी ऐसे का डेटा जिनकी बॉडी का टेम्परेचर वायुमंडल यानी एटमॉस्फियर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग घटता और बढ़ता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्मल कहते हैं, असमतापी कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं दोस्तों। जैसे मछली और सरीसृप, जैसे दोस्तों क्या होता है, मछली और सरीसृप दोस्तों, इनमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। और दोस्तों क्या होते हैं, वर्म ब्लडेड, समतापी, होमियोथर्मल, ऐसे कॉर्डेटा जिनकी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फियर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता नहीं है बल्कि वह इक्वल रहता है। जैसे दोस्तों हम कह सकते हैं यहां पर बर्ड्स, जो पक्षियां होती हैं, बर्ड्स एंड मैमेलिया दोस्तों, पक्षियां और स्तनधारी, पक्षियां और स्तनधारी दोस्तों, इनके जो बॉडी का जो इनका जो इनको क्या बोले, इनको बोलेंगे वर्म ब्लडेड, इनकी बॉडी का टेम्परेचर
वायुमंडल के टेम्परेचर से घटता बढ़ता नहीं बल्कि एक समान ही बना रहता है, जैसे कि पक्षियां और स्तनधारी। दोस्तों ये रहा कॉर्डेटा के बारे में स्पेशल और जनरल कैरेक्टर। अब हम थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अंतर देखेंगे, थोड़ा डिफरेंट देखेंगे दोस्तों कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के अंदर क्या अंतर होता है। और यहां दोस्तों हम देखेंगे कि कॉर्डेटा को कितने भाग में बांटा गया दोस्तों, इसके सब फाइलम क्या क्या हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे कि प्रोटोकॉर्डेटा क्या होता है और वर्टीब्रेटा क्या होता है। तो देखिए आगे यहां दोस्तों हम देखेंगे डिफरेंट बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, डिफरेंट बिटवीन कॉर्डेटा कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा दोस्तों कंपेयर कर लेंगे, अगर कंपेयर कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो आगे आपको समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है। थोड़ा सा कंपेयर करेंगे इसके बारे में, कौन सा दोस्तों इसमें डिफरेंट है या क्या सिमिलरिटी होती है, बस इसी का कंपेयर हम लोग यहां पर करने वाले हैं। अगर दोस्तों हम कंपेयर करें तो देखिए सबसे पहला दोस्तों पॉइंट हम क्या बोलेंगे, दोस्तों सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे दोस्तों इसमें जीवन की किसी न किसी स्टेज में नोटोकार्ड पाई जाती है। ये अभी दोस्तों अभी आपने देखा तो नोटोकार्ड उपस्थित, दोस्तों इसमें क्या होती है पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, नोटोकार्ड उपस्थित। दोस्तों यहां कहेंगे नोटोकार्ड क्या है, अनुपस्थित है, नहीं पाई जाती, तो नोटोकार्ड अनुपस्थित है, इसमें नहीं पाई जाती। दोस्तों ये पॉइंट्स बोल देंगे। और देखिए आगे हम दोस्तों क्या डिफरेंट देखेंगे, दोस्तों हम कहते हैं कि इनमें नर्व कार्ड पाई जाती है, और जो इनमें नर्व कार्ड पाई जाती है ना तंत्रिका रज्जु जो इसमें होती है दोस्तों, देखिए उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, वो कितनी होती, सिंगल होती है, यानी कि एक होती है। दोस्तों नर्व कार्ड कितनी होती, एक होती है, डार्सल पर होती है, डार्सल पर होती है दोस्तों, और क्या होती, खोखली होती है, होलो होती है। तो अभी आप दोस्तों देखे जो सिंगल होती है नर्व कार्ड और डार्सल पर होती है और क्या होती, होलो होती है। अगर हम देखें यहां पर यदि उपस्थित है तो दोस्तों यदि प्रेजेंस है तो यदि उपस्थित है तो है तो दोस्तों कैसी होगी, अगर उपस्थित होगी तो डबल होती है, डबल होगी दोस्तों। और कैसी होती है, वेंट्रल पर होती है, डबल होगी, वेंट्रल पर होगी दोस्तों, और क्या होगी, सॉलिड होगी, कैसी होगी, सॉलिड होगी, ठीक। देखिए तो दोस्तों अगर इसमें नर्व कार्ड होगी नॉन कॉर्डेटा में दोस्तों कहां पर होगी, तो ये डबल होगी, वेंट्रल पर होती है, और दोस्तों कैसी होती है, सॉलिड होती है, ये इसका डिफरेंस समझ लीजिए दोस्तों। और हम कहते हैं कि जीवन की किसी न किसी स्टेज में दोस्तों, कहेंगे कि जीवन की किसी न किसी स्टेज में, जीवन की किसी न किसी अवस्था में नर्व कार्ड होती दोस्तों, क्या होती है, फेरेंजियल गिल्स स्लिट्स होती है, में फेरेंजियल गिल्स क्लेफ्ट पाई जाती है, ये दोस्तों इसको बोलते हैं स्लिट्स पाई जाती है। तो जीवन की किसी न किसी अवस्था में फेरेंजियल गिल्स क्लेफ्ट होती है, और दोस्तों जो नॉन कॉर्डेटा दोस्तों नॉन होते हैं नॉन कॉर्डेटा में, इसमें एब्सेंट दोस्तों इसमें नहीं पाई जाती, यानी इसमें श्वसनी क्लोन दरारें दोस्तों नहीं होती हैं, ये पॉइंट दोस्तों हम बोल सकते हैं। और यहां जो कॉर्डेटा होते हैं, अभी आपने देखा था इनका हार्ट दोस्तों होता है वो कहां होता है दोस्तों, वो अधर पर होता है दोस्तों, इनका जो हार्ट होता है ये वेंट्रल पर होता है दोस्तों, नीचे की ओर होता है दोस्तों। अगर यहां पर देखिए हार्ट अगर दोस्तों है, अगर दोस्तों हार्ट अगर होता है दोस्तों कहां होता है, तो हम कह देंगे डार्सल पर होता है दोस्तों। यदि नॉन कॉर्डेटा के अंदर यदि है तो हार्ट कहां होगा, तो डार्सल पर दोस्तों होता है, डार्सल पर होगा, ये भी हम बोल सकते हैं। और दोस्तों देखिए और क्या हम पॉइंट बोलेंगे, जो दोस्तों ब्लड इसमें होता है, ब्लड कैसे दोस्तों बहता है, दोस्तों ब्लड फ्लो जो इसमें होगा, ब्लड फ्लो आगे से पीछे की ओर दोस्तों होता है, आगे से पीछे की ओर होता है, आगे से पीछे की ओर। अब इसका मतलब क्या है कि कॉर्डेटा में ब्लड फ्लो आगे से पीछे की ओर होता है,
दोस्तों ये कौन शब्द दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई गाय है दोस्तों, जो गाय है, जो गाय के अंदर ब्लड फ्लो होगा उसके मुंह से माउथ पार्ट की ओर शुरू होगा दोस्तों, कहां जाएगा, पूंछ की ओर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा, पीठ की ओर जाएगा, तो इसको हम कहते हैं ब्लड फ्लो आगे से पीछे की ओर हो रहा है दोस्तों। यानी कि जो ब्लड है वो माउथ से लेकर कहां जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लड फ्लो दोस्तों आगे से पीछे की ओर होता है दोस्तों। यहां पर क्या बोलेंगे, यहां जो ब्लड फ्लो होता है दोस्तों, यहां क्या बोलेंगे, ब्लड फ्लो पीछे से आगे, पीछे से आगे होता दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या होगा, पीछे से आगे होता है। और इसमें सबसे सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या होती है, अभी आपने देखा है इसके बारे में दोस्तों, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें दोस्तों हम पॉइंट ये देखते हैं कि इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या होती है, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल देखने को मिलती है दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या होती है, इसमें पोस्ट एनल टेल दोस्तों नहीं होती है, इसमें जो टेल अगर होती भी है दोस्तों, टेल कहां होती है, एनस के आगे होती है, एनस के आगे पाई जाती है दोस्तों। ठीक, जो टेल होगी इसमें दोस्तों एनस से आगे होती है। यानी अगर दोस्तों यहां पर हम देखें, जो आपने फिगर यहां पर देखा दोस्तों, इसमें क्या देखा, इसमें जो टेल है वो एनस के पीछे है, बट दोस्तों अगर नॉन कार्डेटा में टेल भी होती है तो कहां होती, एनस के आगे ही दोस्तों होती, इसके आगे ही निकली होती है, ये पॉइंट्स ये कह रहा है दोस्तों। और क्या डिफरेंट दोस्तों होता है, और इसमें क्या होता, अभी आपने देखा कि यकृत निवाहिका तंत्र, यकृत निवाहिका तंत्र, जिसका मतलब ये है हिपैटिक, यकृत निवाहिका तंत्र, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम दोस्तों इसमें पाया जाता है और इसमें नहीं होता, ये पॉइंट दोस्तों आप इसमें बोल सकते हैं। और हां दोस्तों, इसमें हम क्या बोलेंगे, जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों सेल में मिला होता है, जिससे कि आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों। इसमें देखिए हम कहेंगे जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुलित होती, प्लाज्मा में मिली होती है दोस्तों, प्लाज्मा में घुलित होती है, प्लाज्मा में घुलित होती है, जो इसकी हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में घुल जाती है नॉन कार्डेटा में। और दोस्तों कार्डेटा में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होती है वो सेल में मिली होती है। आपको पता है कि कलर कैसे मिलता है ब्लड को, हीमोग्लोबिन के थ्रू मिलता है दोस्तों। तो यहां देखिए, जब हीमोग्लोबिन में उपस्थित हीमस, यानी कि हीमस में आयरन होता है, जब वह आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, सॉरी दोस्तों, जब वो क्रिया करता है ऑक्सीजन से, तो ब्लड कैसा होता है, कलर हो जाता है ब्लड में दोस्तों। यहां पर वही पॉइंट में बोल रहा हूं, ठीक है दोस्तों। ये डिफरेंट होते हैं, कॉमन अंतर होते हैं, कॉमन डिफरेंट है कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के अंदर। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे कि कार्डेटा को कितने सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं प्रोटोकार्डेटा दोस्तों, प्रोटोकार्डेटा जिसमें आप पढ़ेंगे यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा और दोस्तों वर्टीब्रेटा। तो आइए देखते हैं इसके आगे। तो यहां दोस्तों हम बात करेंगे सब फाइलम ऑफ कार्डेटा की, यानी कि दोस्तों कहेंगे इसमें कि सब फाइलम ऑफ कार्डेटा, सब फाइलम ऑफ कार्डेटा दोस्तों। जो कार्डेटा है, देखिए हमको यहां पढ़ना किस हिसाब से, जिस तरह से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे हमको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। यानी दोस्तों कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन यहां पे बच ना पाए दोस्तों। देखिए इसमें क्या हम बोलेंगे, यहां हम कहते हैं कि यूरो कार्डेटा दोस्तों होता है और क्या होता है, सिफेलो कार्डेटा। लेकिन दोस्तों जो यूरो कार्डेटा और सिफेलो कार्डेटा दोस्तों मिलाकर क्या होता है, प्रोटो कार्डेटा होता है दोस्तों। देखिए यहां पर क्या बोलेंगे, यहां दोस्तों बोलेंगे एक हो जाता है यूरो कार्डेटा, यूरो कार्डेटा दोस्तों एक होगा यूरो कार्डेटा दोस्तों। और एक क्या बोलेंगे दोस्तों, और एक बोलेंगे सिफेलो कार्डेटा, सिफेलो सिफेलोकार्डेटा दोस्तों। सिफेलो का मतलब आप जानते होंगे सर होता है, हेड होता है, सिफेलोकार्डेटा दोस्तों। एक इसमें क्या हो जाता है, वर्टीब्रेटा दोस्तों, वर्टीब्रेटा वर्टीब्रेटा। तो तीनों में दोस्तों हम बेसिक डिफरेंट यहां पर करेंगे, तीनों दोस्तों हम यहां पर अंतर देखेंगे, ठीक है ना, तीनों में क्या क्या डिफरेंट होते हैं और सारे पॉइंट्स देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहां पर हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले यहां जो यूरो कार्डेटा है और सिफेलो कार्डेटा है, दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके हम प्रोटो कार्डेटा कह सकते हैं दोस्तों, कहते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को मिला करके
दोस्तों क्या कहते हैं, प्रोटोकार्डेटा हम कहते हैं किसको, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को मिला करके। अब दोस्तों यहां पर बेसिक बातें करेंगे कि देखिए इनमें एग्जाम्पल क्या होता है। दोस्तों इनमें जो एग्जाम्पल होता है वह दोस्तों क्या है, हर्ड मेनिया। हर्ड मेनिया दोस्तों इसका एग्जाम्पल है। और दोस्तों क्या होता है, साल्पा होता है। दोस्तों साल्पा भी क्या है, इसका एग्जाम्पल दोस्तों है, ठीक है ना दोस्तों। और ओलियो जो दोस्तों होता है कि डोलियोलम होता है, वो भी इसका एग्जाम्पल है, डोलियोलम, डोलियोलम। तो दोस्तों यहां पर हर्डमेनिया और साल्पा, डोलियोलम एग्जाम्पल किसके होते हैं, यूरोकार्डेटा के दोस्तों। और यहां देखिए जो सिफेलोकार्डेटा होता है, इसका एग्जाम्पल दोस्तों क्या होता है, आप जानते हैं एम्फीऑक्सस, एम्फीऑक्सस दोस्तों इसका एग्जाम्पल है, एम्फीऑक्सस दोस्तों। इसको हम कहते हैं ब्रेंकियोस्टोमा दोस्तों, इसी को हम ब्रेंकियोस्टोमा भी नाम देते हैं। तो ब्रेंकियोस्टोमा एम्फीऑक्सस को बोलते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा। तो दोस्तों इन दोनों को आप देख लीजिए पहले कैसे होते हैं। यहां देखिए दोस्तों ये क्या है, यह होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्डमेनिया दोस्तों होता है, हार्डमानिया ये दोस्तों है, ये हार्डमानिया है दोस्तों। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एम्फीऑक्सस, ठीक है। दोनों दोस्तों क्या डिफरेंट है, अभी इसको हम देखेंगे दोस्तों। डिफरेंट देखिए बहुत मेजर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है दोस्तों। अगर डिफरेंट की बात यहां पर करी जाए तो देखिए क्या क्या डिफरेंट और दोस्तों कैसे कैसे डिफरेंट होते हैं दोस्तों। जैसे सपोज करिए कि यहां जो ये लार्वा दिख रहा है आपको, ये लार्वा किसका है दोस्तों, ये लार्वा है यूरोकार्डेटा का दोस्तों। यहां पर एक लार्वा और है, और ये दोस्तों किसका है, ये है सिफेलोकार्डेटा का दोस्तों। इसके अंदर, इस लार्वा के अंदर जो नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है दोस्तों, वो कहां होती, टेल तक होती, ये देखिए नोटोकार्ड, ठीक है दोस्तों। ये लार्वा है, इसमें जो नोटोकार्ड होगी वो कहां तक होती दोस्तों, टेल तक होती है। और इसमें जो नोटोकार्ड होती है वो टेल से लेकर दोस्तों हेड तक होती है, माउथ तक होती है। देखिए डिफरेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, आपको मिलेंगी। देखिए दोस्तों कहेंगे कि यहां जो नोटोकार्ड है, नोटोकार्ड, नोटोकार्ड टेल में होती दोस्तों, टेल तक होती है, टेल यानी पूंछ तक होती है, टेल तक होती है, ये पॉइंट्स हम कहेंगे दोस्तों। और इसमें कहेंगे जो नोटोकार्ड होती है, नोटोकार्ड दोस्तों कहेंगे, नोटोकार्ड माउथ से लेकर के दोस्तों, यानी कि हेड से लेकर के दोस्तों, सिर से लेकर के, सिर से टेल यानी कि पूंछ तक होती, टेल तक होती है। अब दोस्तों क्या होता, देखिए आगे दोस्तों, आगे क्या होगा, जब लार्वा के अंदर, इस लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, जैसा कि आप जानते हैं मेटामॉर्फोसिस का अंदर मतलब होता है दोस्तों बदलाव, यानी कायांतरण, यानी शरीर के अंदर जो अंतर पैदा होता है, शरीर डेवलप करता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जब इस लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है दोस्तों, इसकी पूंछ क्या होती, गायब हो जाती है। जब इसकी पूंछ गायब हो जाती है तो साथ ही साथ इसका नोटोकार्ड भी दोस्तों क्या होता है, गायब हो जाता है। तो हम कहेंगे कि एडल्ट में नोटोकार्ड अपसेंट होता है और लार्वा में नोटोकार्ड पाया जाता है, क्योंकि लार्वा के अंदर जब मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण की क्रिया होती है, ये पूंछ इसकी समाप्त हो जाती है, और जब पूंछ खत्म होगी तो पूंछ के साथ साथ इसमें जो यहां नोटोकार्ड होगा वो भी खत्म हो जाता है दोस्तों। कहते हैं इसीलिए कि इसमें लार्वा के अंदर, लार्वा के अंदर दोस्तों नोटोकार्ड होता है, बट एडल्ट में नोटोकार्ड एब्सेंट रहता है। लेकिन दोस्तों अगर यहां हम बात करें सिफेलोकार्डेटा की दोस्तों, इसमें क्या होता है, नोटोकार्ड एडल्ट में भी दोस्तों होता है, ये पॉइंट्स हम दोस्तों कह सकते हैं, नोटोकार्ड नोटोकार्ड में ही रहता है, ठीक है। देखिए दोस्तों पॉइंट क्या बोलेंगे हम, दोस्तों पॉइंट बोलेंगे इसमें कि लार्वा में, लार्वा में कायांतरण, कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस के समय टेल व नोटोकार्ड, टेल व नोटोकार्ड, नोटोकार्ड विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो
जाती है दोस्तों, ये पॉइंट बोलेंगे विलुप्त हो जाती है। और दोस्तों इसमें हम क्या बोलेंगे कि नोटो कार्ड, नोटो कार्ड में रहती है, नोटो कार्ड, नोटो कार्ड में ही रहती है दोस्तों। यह पॉइंट इसमें हम बोल सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे जब इसका जब ये आगे बढ़ता है तो देखिए इसका दोस्तों स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, कुछ इस प्रकार का दोस्तों इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर दोस्तों बन जाता है, कुछ इस प्रकार का देखिए दोस्तों ऐसे इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें हार्डमेनिया दोस्तों ऐसा ही है जो आपको भी मैंने दिखाया हुआ था दोस्तों। यहां देखिए जो हार्डमेनिया है बिल्कुल ऐसे ही है, ये देखिए तो इसका जो स्ट्रक्चर है यहां इससे दोस्तों मैच कर रहा है, तो ये पॉइंट इसके बारे में हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ एक पॉइंट और दोस्तों, यहां पर अभी आपने देखा जो मेटामॉर्फोसिस, अगर ऐसा मेटामॉर्फोसिस हो जिसमें कुछ बने तो दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लेकिन दोस्तों जब मेटामॉर्फोसिस में कुछ खत्म दोस्तों होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस यानी कि ऐसा कायांतरण जिसमें कुछ बनता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लेकिन जब कायांतरण में कुछ नष्ट होता है, खत्म दोस्तों होता है तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं दोस्तों। ये पॉइंट भी जानते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि दोस्तों जो बॉडी इनकी होती है, बॉडी के चारों ओर, बॉडी के चारों ओर ट्यूनिक पाई जाती है दोस्तों, ट्यूनिक, ट्यूनिक पाई जाती है। यह भी पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं कि जो यूरोकार्डेटा होते हैं उनकी बॉडी से खोल होती है, उस ट्यूनिक होती है, उस ट्यूनिक के अंदर उनकी बॉडी होती, यानी कि ट्यूनिक की कवरिंग होती है उसके अंदर इनकी बॉडी होती है, ये हम कह सकते हैं इनके विषय में दोस्तों। और हां यहां जो लार्वा होता है दोस्तों, इनके लार्वा को हम क्या बोल सकते हैं, तो लार्वा को आप टेडपोल कह सकते हैं दोस्तों। लार्वा को क्या बोल सकते, लार्वा को यहां पर टेडपोल, टेडपोल दोस्तों, या फिर क्या बोलेंगे ट्यूनिकेट लार्वा, ट्यूनिकेट लार्वा कह सकते हैं दोस्तों, या फिर क्या बोलेंगे एसिडिया लार्वा, एसिडिया लार्वा दोस्तों। लार्वा को हम ट्यूनिकेट, टेडपोल या एसिडिया लार्वा हम कह सकते हैं। ये दोस्तों रही इन दोनों के डिफरेंट की बात। अगर दोस्तों हम बात करें यहां पर वर्टिब्रेटा के बारे में तो दोस्तों इसमें क्या होगा, हां यहां दोस्तों एक पॉइंट और कह सकते हैं कि यहां दोस्तों जो इसकी नोटोकार्ड होती दोस्तों, नोटोकार्ड, नोटोकार्ड में ही रहती है, ये पॉइंट आप जानते रहिएगा दोस्तों। लेकिन यहां पर हम क्या बोलेंगे, जो नोटोकार्ड होती है, नोटोकार्ड, नोटोकार्ड, नोटोकार्ड में रहती है, नोटोकार्ड में रहती है। और दोस्तों जो नोटोकार्ड होती है वह दोस्तों वर्टेब्रल कॉलन में बदल जाती है, बदल जाती है, बदल जाती है। और दोस्तों जो वर्टेब्रल कॉलन होता है वह या तो कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है दोस्तों, या फिर किसका बना होता है, या फिर हम कहेंगे ये बोन का बना होता है। देखिए तो ये थे सब फाइलम किसके, कॉर्डेटा के दोस्तों। आगे हम बात करेंगे जहां पर डिस्कस करेंगे हम सभी लोग वर्टिब्रेटा के बारे में दोस्तों, कि वर्टिब्रेटा के बारे में कौन सुपर क्लास इसका है, पीसेस के बारे में। और दोस्तों जितने भी अग्नेथा हैं या दोस्तों यहां तो जितने भी पॉइंट बनते हैं दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स के बारे में दोस्तों, जितने भी इसके सब डिवीजन है, जैसे कि एग्नेथा होता है एक डिवीजन, और एक दोस्तों क्या होता है ग्रेथोस्टोमेटा होता है दोस्तों, तो ग्रेथोस्टोमेटा के बारे में, अग्नेथा के बारे में दोस्तों, कौन जॉलेस होता है, कौन जॉलेस नहीं होता, किसको साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं दोस्तों, किसको हम कहते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेकोडर्मी कहते हैं, सारे पॉइंट्स, सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो आज बस इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने पॉइंट्स बोल रहा हूं सारे एग्जाम में आए हुए हैं या आगे आने वाले हैं, इसको आप अच्छे से नोट बनाइए दोस्तों। यदि आप इच्छुक हैं हमसे जुड़ने के लिए तो संस्थान में, संस्थान में दोस्तों बायोलॉजी टीजीटी और पीजीटी का बैच चल रहा है। अगर आपको जुड़ना है तो आप टीजीटी या पीजीटी बायोलॉजी लिख करके आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और बात करेंगे हम लोग वर्टिब्रेटा के बारे में। धन्यवाद, जय हिंद।